राहुल गांधी सुबह सुबह सबसे पहले अलीगढ़ के पिलखना गांव पहुंचे और पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। इसके बाद हाथरस पहुंचकर चार पीड़ित परिवारों से राहुल मिले और उनका ढाढ़स बंधाया। ये सभी लोग हाथरस के नबीपुर खुर्द के रहने वाले हैं। पीड़ितों से मिलने के बाद राहुल गांधी ने कहा, हाथरस कांड में प्रशासन की लापरवाही है। दुख की बात है, बहुत परिवारों को नुकसान हुआ है, काफी लोगों की मृत्यु हुई है, तो दुख की बात है। मैं इसको राजनीतिक प्रिज्म से नहीं कहना चाहता हूँ, प्रशासन की कमी तो है जी और गलतियां तो हुई। सबसे जरूरी बात कि कॉम्पेंसेशन सही मिलना चाहिए जी, क्योंकि ये गरीब परिवार है जी, और मुश्किल का समय है इनके लिए, तो कॉम्पेंसेशन ज्यादा से ज्यादा। और मैं यूपी के चीफ मिनिस्टर से विनती करता हूं कि दिल खोल के कॉम्पेंसेशन करें। राहुल गांधी ने हाथरस हादसे पर प्रशासन पर सवाल उठाए तो बीजेपी की तरफ से पलटवार में देर नहीं हुई। बीजेपी ने राहुल गांधी पर हादसे में राजनीति का आरोप जड़ दिया। राहुल गांधी जी जब से नेता प्रतिपक्ष बने हैं तब से वो निरंतर भय और भ्रम की राजनीति कर रहे हैं। इस दुर्घटना पर जो राजनीति उन्होंने करने का प्रयास कर रहे हैं वो दुखद राजनीति है। देखिए, दुर्घटनाओं को संवेदनशीलता से देखना चाहिए। राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं, आप ही के एनडी गठबंधन में तमिलनाडु में 50 से अधिक लोग जहरीली शराब से उनकी मृत्यु हो गई, आपने वहां जाना तो छोड़िए एक शब्द भी बोला। दुर्घटनाओं पे आपको समान भाव से रखते हुए संवेदनशीलता से राजनीति करनी चाहिए। ये जिस ढंग की मैं कहूंगा राजनैतिक लाभ की गिद्ध दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। विपक्ष को राजनीति करना है अपने हिसाब से, उसको जब मौका मिलता राजनीति करे। हमारा मानना है कि कभी भी लाशों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, और ये संवेदनशील मामला है, विभत्स घटना है, इस पर लोगों को संवेदना देनी चाहिए। इससे पहले कल समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव भी आरोप लगा चुके हैं कि यूपी सरकार असली मुद्दा छुपाना चाहती है। सरकार तो हर बात छिपाना चाहती है, आपसे बेहतर कौन जानेगा। ये सरकार चाहती ध्यान हट जाए बस, जो असली मुद्दा है, जहां प्रशासन की जिम्मेदारी थी और सरकार की जिम्मेदारी थी, तो आखिरकार क्या कर रहे हो आप। जाने आप कब गए जब घटना हो गई, आपने उन्हीं जिम्मेदार अधिकारियों को पहले क्यों नहीं भेजा, क्यों नहीं भेजा आपने कि हाँ यहाँ पर इतना लोग इकट्ठे ना हो जाएं। आगे क्या जिम्मेदारी बनती थी। तो सरकार की जो जिम्मेदारी थी उस जिम्मेदारी से भाग नहीं सकती सरकार। जो घटना हुई उससे कुछ दिन पहले उस महान भाव से मिलने के लिए खुद अखिलेश जी गए थे, और अखिलेश जी को ऐसे जो संवेदनशील मुद्दे पर ये जरूरत है मानवता, और जो गंभीर रूप से घायल हैं उनके इलाज की व्यवस्था करने के लिए ये वक्त नहीं है कि जिस पर इस तरीके की राजनीति किया जाए। मैं उनके इस नीति का भर्त्सना करता हूँ। हाथरस हादसे के बाद यूपी सरकार विपक्ष के निशाने पर है। वैसे नसीहत तो अपने खेमे से भी मिल रही है। हिंदुस्तान आस्थाओं का देश है, यहाँ पर बहुत प्रकार के बाबाएं हैं, न बुलाने पर भी बहुत लोग आ जाते हैं। ये प्रशासन को चाहिए था वहाँ पर कि जब संख्या मात्र 80,000 की थी, जुट गया 2.5 लाख, तो उसको मैनेज करना चाहिए था। बावजूद उसके उत्तर प्रदेश की सरकार सख्त है और आवश्यक कार्रवाई कर रही है, गिरफ्तारियां चल रही है, बाबा का भी खोज के लिए इनाम घोषित किया गया है। हाथरस कांड में सियासत अपनी जगह है, लेकिन सबसे पहले हाथरस के पीड़ितों को इंसाफ मिलना चाहिए, और ये जल्द मिले ये सुनिश्चित होना बेहद जरूरी है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।